नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बालाघाट जिले के वारासिवनी उपस्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के आंकड़ों को बढ़ाने के चक्कर में एक गर्भवती महिला की ही नसबंदी कर दी गई। वारासिवनी उपस्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के आंकड़ों को बढ़ाने के चक्कर में एक गर्भवती महिला की नसबंदी कर दी गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट लाया गया। इसके बाद महिला की सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में महिला के पेट में 13 हफ्ते 1 दिन लगभग 3 महीने का गर्भ बताया गया, जबकि महिला की 2 महीने पहले वारासिवनी में 10 दिसंबर 2020 को लगाए गए नसबंदी शिविर में नसबंदी की गई थी। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नसबंदी से पहले महिला के गर्भ की जांच करने यूरिन टेस्ट कराया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यूरिन टेस्ट कराया गया तो गर्भ के बाद महिला की नसबंदी क्यों की गई? यदि यूरिन टेस्ट रिपोर्ट गलत थी तो अस्पताल की जांच भी सवालों के घेरे में आती है। इस संबंध में नसबंदी करने वाली महिला चिकित्सक का कहना है कि आशा कार्यकर्ता और नसबंदी कैंप प्रभारियों की लापरवाही हो सकती है। हम तो रिपोर्ट की फाइल देखकर ऑपरेशन कर देते हैं। पीड़ित महिला वारासिवनी के ग्राम दीनी की निवासी है और उसके पति एक छोटे से किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और पूर्व में ही इनके 4 बच्चे हैं, इसलिए अब वो कोई अन्य संतान नहीं चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती सुलाते। कब से भर्ती आप? क्या मामला है? कब आपने नसबंदी कराया है? नसबंदी कराए तो बता रहे 3 महीना का प्रेगनेंट है। 3 महीना हो गया बोल रहे, बेटी तुम्हारा फेल नहीं हुआ बोल रहे, पहले का रुका है। तो हमने बोले पहले का कैसा रुका है? पीटी कराने के पहले आपको चेक किया गया था? प्रेगनेंसी चेक की गई थी? हाँ सर, प्रेगनेंसी चेक किए थे वहाँ, पर वो रिपोर्ट में लिख के दे दिए कि नॉर्मल है, कुछ ये नहीं है करके बोले। उसके बाद टीटी कर दिए? हाँ, फिर टीटी के लिए मैडम आ गई 1 बजे, तो हमने टीटी करा दी मैडम ने। कितने बच्चे हैं आपके? 4। अभी आप ये अभी क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं, अब बच्चे तो नहीं होना, धुलाई करेंगे। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले? यहाँ कोई बोले कुछ? मैडम ने रात को बोली थी बारमाटी मैडम ने कि धुलाई कर दूंगी करके, आज आप क्या बताती है तो पता नहीं। अच्छा, मतलब 2 महीने हुआ है आपको, 2 महीने पहले आपकी नसबंदी हो चुकी थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो आप 3 महीने से आप प्रेग्नेंट हैं। मतलब जो है नसबंदी के पहले जो है आपके जो जो चेकअप होना चाहिए था आपका, वो प्रॉपर नहीं हो पाया, उसमें कहीं ना कहीं चिकित्सकों के और उनके स्टाफ की लापरवाही, यही मानते हैं ना? और कुछ चाहते हैं आप इसमें? इन लोग बोल रहे हैं कि जो नसबंदी हुई वो सही है? हाँ सही है बोल रही है। बारमाटी मैडम बोलती है अगर धुलाई करा दूंगी तो हर महीने तुम्हारी एमसी आना चालू हो जाएंगी, रुकने वाली नहीं है बोली रात में। मतलब लापरवाही पहले हो गई थी चेकअप के समय, नसबंदी के पहले लापरवाही? इसमें चेक कराए ना, नस ऑपरेशन कराते समय तो उन्होंने कैसे करे तो पता नहीं, उन्होंने बोले नॉर्मल है करके रिपोर्ट लिख के दे दिया। अच्छा, नसबंदी के पहले जब चेक किए आपको, प्रेगनेंसी चेक किए तो आपको नॉर्मल है बता दिए? हाँ नॉर्मल है, रिपोर्ट में लिख के दे दिए नॉर्मल है करके। और टीटी हो गया? हाँ टीटी हो गया सर। क्या नाम है आपका? सुलाघ। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं आप जी? आपकी कौन भर्ती है यहाँ पे? यहाँ हमारे वो एम एस है। किस लिए भर्ती किया गया? ये इनका सीजन हो गया था 2 महीना पहले, करेक्ट 2 महीना हुआ है। हाँ। और प्रेगनेंसी 3 महीने की बता रही है इसमें चेक करने के बाद। नसबंदी कहाँ कराए थे आप? 12 सौ शिविर लगा था? शिविर लगा था। कौन सा शिविर लगा था? ये शिविर है टीटी वाला शिविर। अच्छा, जो आशा कार्यकर्ता केस लेके जाती है जी, वही केस में इनको लेके गए थे जी। वहाँ पर ब्लड वगैरह चेक किया गया जी, प्रेगनेंसी चेक की गई, पर उसमें प्रेगनेंसी में निगेटिव बताया था जी। पर अभी जब जांच कर रहे हैं तो 3 महीने की प्रेगनेंसी बता रहे हैं, करेक्ट 2 महीना आज हुआ है। जिस वक्त आप टीटी करवाए थे जी, तो उसके पहले जांच हुई थी क्या प्रेगनेंसी? हाँ जांच हुई थी। तो क्या बताया डॉक्टर ने? हाँ नॉर्मल बताया। नॉर्मल बताया जी। उसके बाद फिर टीटी कर दी जी? टीटी हो गए। तो लगभग कितने दिन में हो गया प्रेगनेंसी का? प्रेगनेंसी तो वो क्या है, उनको प्रेगनेंसी का जो महीना मंथ बोलते हैं वो आने 2 दिन बाकी था। 2 दिन तो हमने बोली 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम जाएंगे टीटी कराने, बोले प्रेगनेंसी आने के बाद तो बोला नहीं कुछ नहीं होता। तो उसके बाद चेक किए और लेकिन वहाँ नेगेटिव बताया था, और यहाँ बोल रहे 3 महीने का प्रेगनेंसी है। चेकअप के दौरान कौन से डॉक्टर थे वहाँ? वहाँ पर डॉक्टर तो पता नहीं तो जी में कौन से डॉक्टर थे, ये लोग अंदर हम लोग को जाने का ऐलान था ना, ये लोग गए थे। तो जिस चिकित्सक ने नसबंदी किया है जी,
तो उन्होंने सारे चेकअप के फाइल चेक करे थे नहीं करे अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ डॉक्टर साहब? आपको वही है, हमको बच्चे हमारे पास चार हैं, हम बच्चा रखना नहीं चाहते, इसलिए नसबंदी कराए थे, हम रखना नहीं चाहते चार चार बच्चे ऑलरेडी है। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें लापरवाही देखो डॉक्टर की लापरवाही है, अपनी लापरवाही तो वही नहीं, आप निष्पीकार हो गए थे कि नसबंदी हो चुकी है, तो इसमें आप डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं? क्या चाहोगे इसको लेकर आगे? अभी आगे वही चाहते कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसका क्या बोलते हैं ऑपरेशन करवाना। इस विषय में आपसे डॉक्टरों से कोई बातचीत हुई है? बातचीत नहीं हुई, कल अपन यहाँ से हमारा केस गया वारासन, वारासन लेके गया था इनसे पहले जहाँ से नसबंदी हुई, वहाँ पर उन्होंने बोले कि जाओ आज में हो जाएगा बालाघाट, उन्होंने बालाघाट लेके दिया, तो कल सोनोग्राफी नहीं हुई, और कल सोनोग्राफी आज सुबह हुई है, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जी मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती गीता बानवाटे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में कार्यरत हूँ। मैडम ये केस आया वारासुनी दीनी का जी। जो दो महीने पहले वारासुनी कैंप में, वारासुनी चिकित्सालय में कैंप लगा था नसबंदी का, वहाँ उस महिला की नसबंदी हुई थी जी, पार्वती सुलाके करके ना वो महिला जी। और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वह जो है वो 3 माह की प्रेग्नेंट है। इसमें मैडम कहाँ लापरवाही हुई? नसबंदी के पहले जो टेस्ट होते हैं उसमें भी उसको निगेटिव बताया गया था, उसके बाद ही उनकी नसबंदी हुई है। मैडम कहाँ त्रुटि पाई गई है? क्योंकि वो दिन ही में आती है, तो मैं तो LTT सर्जन हूँ और वहाँ जो मेडिकल चेकअप होता है वो मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन मैं कल ड्यूटी पे थी और मैंने उसकी फाइल देखी, तो उसमें ये लिखा हुआ था प्रमाण पत्र में कि उसकी महावारी की डेट आने वाली थी और इसी दौरान उसकी नसबंदी हुई थी। चूँकि महावारी की डेट नहीं मतलब नहीं निकली थी, इसलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए होंगे वहाँ पर संबंधित सेंटर में, तो वहाँ निगेटिव दिखाया गया था, उनको ये लगा होगा कि इनकी प्रेगनेंसी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ओवुलेशन पीरियड उसका क्रॉस हो गया था और इसी बीच उसकी प्रेगनेंसी रुक गई थी, बाई को नहीं थी और नहीं बाई को समझाया गया था, इस वजह से उसकी प्रेगनेंसी रुक गई है। अब चूंकि इसकी प्रेगनेंसी रुक गई है और LTT ऑपरेशन के बाद में भी उसको महावारी नहीं आई है, इसलिए यह केस LTT फेलियर का नहीं बनेगा, इसकी LTT फेल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी रुकी है तो सोनोग्राफी करा के कन्फर्म करेंगे कितने महीने की प्रेगनेंसी है, अगर वो रखना चाहे तो रख सकती है, नहीं रखना चाहे तो टर्मिनेट करवा देंगे। सोनोग्राफी में तो क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी है 3 माह की। अच्छा। लेकिन इसमें लापरवाही किसकी सामने आ रही है आपके हिसाब से, कि अगर कुछ दिन रुक जाते नसबंदी कराने के? लापरवाही तो ऐसा है कि भाई जो हितग्राही है उसकी अनभिज्ञता कहेंगे इसको, क्योंकि वो लोग इतने जानकार तो नहीं होते, लेकिन जो संबंधित आशा कार्यकर्ता या जो ANM है उन्होंने उसके मासिक धर्म की तिथि तो पूछे होंगे, उसके बावजूद भी उसको LTT कराने लाए, तो वहीं कहीं गड़बड़ी हो गई होगी, या फिर जो नसबंदी कैंप प्रभारी डॉक्टर हैं जो फार्म वगैरह देखते हैं वहाँ पे किसी से टूटी हुई है। अच्छा मैडम जी, आशा कार्यकर्ता ने जो लेकर के आई मतलब सब मतलब जानने के बाद भी जो ऐसे उनसे त्रुटी हुई है, तो क्या माना जा सकता है इसको कि ये अपनी मतलब संख्या मतलब जो पेशेंट लेकर के आते हैं बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ उसके कारण उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया? अब मैं तो ऐसा नहीं कह सकती कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ में क्या हुई है, बाई ने आशा को कन्विंस किया, आशा ने बाई को कन्विंस किया, इस बात में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लापरवाही तो हुई मैडम, इसमें चाहे ANM की तरफ से हुई हो, जो कैंप में प्रभारी थे उनके तरफ से हुई हो, या आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई हो, लापरवाही तो हुई है इसमें, आप मानते हैं लापरवाही हुई है इसमें? आप कैंप प्रभारी डॉक्टर से मिलिए, वो बता देंगे आपको कि कहाँ पे क्या हुआ था, मैं तो सबसे लास्ट में जाती हूँ, तब तक तो केस सिलेक्ट हो गए रहते, मुझे तो ऐसे केसों की जानकारी नहीं रहती, किसी केस में मुझे कुछ शक होता है, डाउट लगता है, तो मैं उनको UPT एडवाइस कर देती हूँ। जी जी, मतलब आपके बयान से ये स्पष्ट नज़र आता है कि ANM कार्यकर्ता जो है उनसे लापरवाही हुई है, उन्हें थोड़ा महावारी आने तक का टाइम तक रुक जाना था, उन्हें महावारी आने का जो उसका समय था मासिक धर्म का, उसके पहले उसको कैंप में नहीं जाना चाहिए था। जी जी, यहाँ लापरवाही मासिक धर्म आने के बाद कैंप में लाना चाहिए था। जी जी, ये मानती है आप कि यहाँ लापरवाही? हर सप्ताह।